हेलो स्मार्टीज, और क्या आपको पता है कि एक इंसान बिना पानी के कुछ दिनों तक, वहीं बिना भोजन के कुछ हफ्तों तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन वही इंसान बिना सोए आखिर कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है? वेल, दशकों पहले इसी सवाल की खोज के लिए एक अमेरिकन टीनेजर रैंडी गार्डनर ने खुद पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने कुल 11 दिन और 25 मिनट जगे रहकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के दौरान उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई जो आपको हैरान करके रख देंगी, और साथ ही इससे यह बात भी पता चलती है कि आखिर नींद की कमी का इंसानी मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वेल, मैं हूं आपका होस्ट सत्यम, और आज के इस वीडियो में रैंडी गार्डनर के द्वारा की गई इसी नींद से भरी हुई एक्सपेरिमेंट को आपके साथ साझा करेंगे। ये ईयर थी दिसंबर 1963, जब एक अमेरिकन टीनएजर रैंडी गार्डनर अपने दो और फ्रेंड्स ब्रूस मैकलास्टर एंड टोई मार्सियानो के साथ मिलकर अपने शहर सैन डियागो में होने वाले एक साइंस फेयर के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे थे। वेल, उस समय लोगों के बीच एक सवाल हमेशा से एक बहस वाली मुद्दा बनी रहती थी कि आखिर एक इंसान बिना सोए कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है, और कई लोगों का मानना था कि नींद की कमी जानलेवा हो सकती है। और इन्हीं सवालों की खोज के लिए रैंडी ने दिसंबर 1963 में यह एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, जो 8 जनवरी 1964 को खत्म हुआ, जिसमें उन्होंने पूरे 11 दिन और 25 मिनट तक जगे रहकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। एक्सपेरिमेंट के शुरुआती दो दिन उनके लिए आसान रहा, जिसमें उन्होंने अपने ज्यादातर वक्त खड़े होकर बिताए, पर जैसे ही तीसरा दिन शुरू हुआ, नींद न लेने के साइड इफेक्ट उन्हें दिखने शुरू हो गए। उनका मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ने लगा और उन्हें किसी भी सवाल का आंसर देने में कठिनाई महसूस होने लगी। उनकी आंखों को किसी भी चीज पर फोकस रखने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वे सिंपल से टंग ट्विस्टर को भी रिपीट करने में असक्षम हो रहे थे, यहाँ तक कि वे टच करके भी चीजों को सही से पहचान नहीं पा रहे थे। जो रिसर्चर्स उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने पाया कि जगे रहने के पूरे 5 दिनों बाद उन्हें हेल्यूसिनेशन होने लगा। उन्हें खुद को कंसंट्रेट करने में और साथ ही शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर्म करने में प्रॉब्लम महसूस होने लगे। उनके सेंसेस लाइक टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, यादें भी बुरी तरीके से प्रभावित होने लगी थी। यहाँ तक कि जब उन्हें 100 में से 7 को बार बार घटाने को कहा गया, तो वे 7 को 5 मल्टीपल तक ही घटा पाए, मतलब 65 तक आते आते वे रुक गए। और जब उनसे रुकने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने जो बताया वो एक नॉर्मल इंसान के लिए वाकई हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि वे क्या कर रहे थे, मतलब ये सोच के ही कितना वियर्ड लगता है कि कोई इंसान काम करते करते यह भूल जाए कि आखिर वो क्या कर रहा था, राइट? वेल, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको जगाए रखने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराया गया। उन्हें बास्केटबॉल खिलाया जाता था, जो कि उस दौरान काफी इम्प्रूव हुई, और शायद यही सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट की एक अच्छी बात थी। फाइनली 8 दिसंबर 1964 को पूरे 11 दिन 25 मिनट तक जगे रहने के बाद उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, और साथ ही उन्हें सैन डिएगो साइंस फेयर में उनके इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट प्राइज भी दिया गया, जिसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इसके बाद वो पूरे 14 घंटे की नींद लेने के बाद फिर से नॉर्मल हो गए, और उस टाइम इनके ऊपर उस एक्सपेरिमेंट का कोई खास प्रभाव तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पूरे 10 साल बाद आखिरकार रैंडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें एसोमनिया नाम की बीमारी हो गई, जिसमें वे नींद नहीं आने जैसे परेशानियों से ग्रस्त हो गए। लेटर रैंडी के इस एक्सपेरिमेंट के बाद कई सारे लोगों ने इनकी इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश भी की, और कई सफल भी हुए। पर रैंडी के इस एक्सपेरिमेंट के बाद गिनीज बुक ने ऐसे रिकॉर्ड को सर्टिफाई करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप बिना नींद के कितने दिनों तक रह सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।